नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नागिन 3 के अपकमिंग एपिसोड के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, नागिन 3 के फिनाले एपिसोड में होगी मौनी रॉय की धमाकेदार एंट्री। एकता कपूर ने कुछ कहा ऐसा कि वो आ रही है। सुपरनैचुरल थ्रिलर नागिन 3 की स्टोरी लाइन में उत्साह और एक्साइटमेंट बढ़ता ही जा रहा है। सीजन के फिनाले एपिसोड में अनगिनत ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं। एकता कपूर ने ये वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। टीवी सीरियल नागिन 3 के फैंस के लिए अच्छी खबर आ रही है। नागिन 3 का आने वाला वीकेंड काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि ये एपिसोड काफी ज्यादा खास होगा, क्योंकि इस एपिसोड में खतरनाक अंदाज में फिर हो रही है मौनी रॉय की एंट्री। एकता कपूर ने जो वीडियो शेयर किया है सोशल मीडिया पर, उसके साथ ये लिखा है कि ये वीडियो काफी ज्यादा लोगों को हैरान कर देगा। सभी नागिन फैंस आने वाले जो क्रेजीएस्ट फिनाले के लिए सीट बेल्ट बांध कर रख लें। इस मई में बेला को एक अजनबी से मदद मिलेगी और एक अधूरी कहानी को ड्रामेटिक अंजाम मिलेगा। जो लोग नागिन यूनिवर्स को फॉलो करते हैं वो आने वाली है। पिछले 2 सीजन में नागिन का लीड रोल यानी कि मौनी रॉय ने किया था। इस रोल में मौनी रॉय खूब ज्यादा धमाल मचा चुकी हैं। इस बार नागिन 3 में टीवी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति लीड रोल में है। सुरभि बेला के रूप में नागरानी है, लेकिन शुरुआती एपिसोड में सुरभि नागिन के रोल में फिट नहीं लगी थी। लोगों को मौनी रॉय ही काफी ज्यादा पसंद थी। एकता कपूर ने सीरियल में नागरानी की जब टीम बना दी तो सीरियल थोड़ा सा ट्रैक पर आया। फिर बेला, माहिर, विशाखा और विक्रांत ने सीरियल को संभाल लिया। फिर ये टीम मिलकर सुमित्रा शक्तिशाली नागिन का सामना कर रही है, लेकिन लगातार इनकी चालें फेल हो रही हैं। जिस तरह से नागिन में लगातार दुश्मनों की सेना बढ़ती जा रही है, ऐसे में नई नागिन की हेल्प के लिए पुरानी नागिन आ सकती है, यानी कि मौनी रॉय आ सकती है। आपको बता दें कि एकता कपूर के सीरियल नागिन में मौनी रॉय की फैन फॉलोइंग जबरदस्त बढ़ी है। इस सीरियल के बाद मौनी रॉय को बॉलीवुड से बड़े बड़े ऑफर आए हैं। उन्होंने लीड रोल में अक्षय कुमार की फिल्म जो गोल्ड थी उसमें भी काम किया और KGF चैप्टर 1 जो कि इतनी ज्यादा लोकप्रिय और पॉपुलर हो गई फिल्म, उस फिल्म में उनका स्पेशल सॉन्ग था। तो यश के साथ हमने उनको आइटम सॉन्ग करते हुए देखा है। तो आपने जैसे कि देखा, मौनी रॉय बहुत सारी फिल्मों में काम कर रही है। अभी वो ब्रह्मास्त्र की शूटिंग में भी व्यस्त है। तो देखते हैं जब अपकमिंग एपिसोड में मौनी रॉय की झलक हमें देखने को मिलती है, उनका खतरनाक अंदाज देखने को मिलता है, तो जो फैंस हैं उनको कितना ज्यादा अच्छा लगता है और इसकी वजह से ये जो बड़ा ट्विस्ट आया इसकी वजह से TRP चार्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये वक्त बताएगा। तो हम जल्दी लौटेंगे अगले सीरियल या फिर अगले एंटरटेनमेंट न्यूज की अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टूडेज फॉर मोर न्यूज।